सुपौल जिला मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय सार्वजनिक पब्लिक विद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक साइंस प्रोजेक्ट पर अपनी कला और ज्ञान का प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शनी में कई बच्चों ने अपने घर में या आस पड़ोस में या देश दुनिया में चल रही गतिविधियों एवं वैज्ञानिक सोच पर अपने हुनर और काबिलियत से प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया, जहां जाने के बाद ऐसा लगा कि बच्चों में सीखने, समझने और उसे गढ़ने की अद्भुत क्षमता होती है, बस उसे सही मार्गदर्शन मिलता रहे। कई बच्चों ने अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि कई बच्चों ने जिद किया कि मेरी प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की है, कई ने दिखलाया कि मेरी प्रोजेक्ट वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली हवा से बड़े बड़े उद्योग चल सकते हैं, कुछ बच्चों ने महिला शोषण पर बतलाया, लेकिन उन सारे बच्चों में से एक बच्चा ने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना कर लाया जो अद्भुत था। एक स्मार्ट सिटी की अवधारणा को प्रोजेक्ट के माध्यम से दर्शाया गया। उस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे ने बताया कि स्मार्ट सिटी में स्कूल कैसा हो, हॉस्पिटल कैसा हो, पार्क कैसा हो, अग्निशामक कहाँ हो, ओवरब्रिज कहाँ हो, थाना कहाँ चाहिए, आवासीय परिसर कैसा होना चाहिए, पावर ग्रिड कहाँ हो, हेलीपैड कैसा हो, यानी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर तमाम सुविधाओं से सुसज्जित स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लोगों का आकर्षण का केंद्र बना रहा, जो कि वाकई बड़े बड़े अभियंताओं की महीनों की मेहनत से बनाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को सबों के मन को मोह लिया। वहीं मौके पर स्कूल के प्राचार्य विश्वास चंद मिश्र एवं सचिव युगल किशोर अग्रवाल ने कई बच्चों की प्रतिभा के बारे में बतलाते हुए कहा कि एक से बढ़कर एक प्रतिभान बच्चे हमारे विद्यालय में हैं। हम लोगों ने पुलिस स्टेशन बनाया ताकि शहर में शांति बनी रहे, मेंटेनेंस है। यहाँ हम लोगों ने मंदिर, चर्च, मस्जिद सब सारे बनाए रिलीजियस पर्पस के लिए। देखिए, ये 5 साल से मैंने आरंभ इसको करवाया कि बच्चों में एक प्रतिभा उभरे, बच्चों को इस चीज की समझ आवे कि प्रोजेक्ट क्या चीज होती है, और उन्होंने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हर साल मेरा ये बढ़ोतरी होता गया। इस बार 150 बच्चों ने अपना प्रदर्शन इसमें किया है जो अद्वितीय है, और एक से एक कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट मुझे लगे कि जो उसके मेहनत को देखकर मैं दंग रह गया कि उस प्रोजेक्ट को बनाने में कम उन्हें 1 महीना निश्चित लगा होगा। ऐसे भी लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो विद्यार्थी निश्चित आगे भविष्य में उनका उज्जवल भविष्य है। इसके लिए मैं उनको उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ, और लगातार RSM में ये जो प्रगति हो रही है इसमें सभी लोगों का, टीचर का हो, बच्चों का हो, सारे कर्मचारियों का सहयोग मुझे प्रदान होता रहा है, इसलिए मैं ये सफलता पाता हूँ। सर, इसमें एक स्मार्ट सिटी बनाया गया है जो बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं बना सकते, एक बच्चा ने बनाया, 5-6 क्लास के बच्चे, कैसे इन लोगों को प्रेरणा, क्या स्कूल का मतलब है? ये स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं उनके द्वारा ये प्रेरणा स्रोत दी गई, उन लोगों को समझाया गया, और अद्वितीय, ये मैंने भी देखा कि अद्वितीय बनाया है, ये सराहनीय है। उन बच्चों को मैं पूर्णतः प्रोत्साहन करने के लिए, और ADM और DD दोनों ने उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बधाई दी कि इस प्रकार के स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो उन्होंने मेहनत किया है वो एक अद्वितीय है, और ये लगातार बच्चों के द्वारा जो किया जा रहा है, शिक्षकों का, प्राचार्य का, सारे लोगों का इसमें पूर्णतः सहयोग प्रदान रहा है, इसके लिए सफल होना।